हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का थर्ड चैप्टर जो है हमारा टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। ये चैप्टर हमारे दो पार्ट हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे अपने फर्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज द हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लाइम ऑफ फ्लैटरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत कुछ हमें सिखाता भी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप मतलब थोड़ा डिटेल में और थोड़ा सा मतलब कंसेंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोरल हमारी मोरल वैल्यूज को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। The story by लाइम ऑफ फ्लैटरी is the account of a young bird that is afraid to fly for the first time. ये story एक seagulls के बारे में है, छोटे seagulls के बारे में। Seagulls actually वो birds होते हैं जो समुद्र वगैरह के किनारे रहते हैं, इन fishes वगैरह को prey करके खाते हैं, मतलब उनका शिकार करके खाते हैं, क्योंकि एक छोटे से bird की कहानी है जो मतलब उड़ने से डर रहा होता है। ठीक है, उसको ये विश्वास होता है कि उसके जो बोंग हैं, उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पर हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और डेस्पाइट इज यंगर ब्रदर, उसके जो छोटे भाई बहन हैं, उसके जो छोटे सिबलिंग, सिबलिंग्स का मतलब होता है जो हमारे सगे भाई बहन होते हैं, मतलब वैसे हम जो चाचा ताऊ के बच्चों को हम बोलते हैं कजिन, बट अगर हमारे जो रियल भाई बहन होते हैं उनको हम बोलते हैं सिबलिंग। उसके जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं फ्लाइंग फियरलेसली, बिना किसी डर के उड़ रहे होते हैं, विथ सच शॉर्टर विंग्स, उनके जो विंग्स होते हैं उससे भी ज्यादा शॉर्टर होते हैं, ही कुड नॉट गैदर द करेज टू द सेम, बट वो उनकी तरह अब मतलब करेज को गैदर नहीं कर पाता, मतलब अपनी साहस को नहीं जुटा पाता जिससे वो उड़ सके। ही वॉज पनिश्ड टू स्टे हंग्री, वह उसको पनिश किया जाता है कि वो भूखा रहेगा, इफ यू डिड नॉट ट्राई, अगर वो ट्राई नहीं करता, अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो उसको हंग्री रहना पड़ेगा, उसके मदर फादर की वाइफ की तरफ से उसको पनिशमेंट दिया जाता है। दस इट वॉज His mother that completed him to fly by using food as a trap. केवल ये उसकी मदर होती हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं जो कुछ भी कर रहे होते हैं, जो कोई डिसीजन लेते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, वो रीजन भी क्या हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। केवल उसकी जो मदर है उसको कंपीट करती हैं, उसको विवश करती हैं टू फ्लाई उड़ने के लिए बाई यूजिंग द फूड ट्रैप, फूड एज अ ट्रैप, मतलब एक फूड का ट्रैप उसे बनाया जाता है जिससे वो उसे लोड उड़ने के लिए फ्लाई करने के लिए कंपेल किया जाता है। ठीक है, द लेसन रिफ्लेक्ट हाउ वन हेजिटेट टू टेक द फर्स्ट स्टेप दैट फियर्स ऑल अराउंड हिज माइंड। ये जो चैप्टर है वो हमें ये रिफ्लेक्ट करता है कि मतलब हम जब भी कोई भी पहला स्टेप लेते हैं, कोई भी हम किसी भी टाइप का फर्स्ट स्टेप ले रहे हो, जो हमें फियर क्रिएट करता है कि यार हमसे होगा नहीं होगा, मतलब हमारा माइंड जो है कई तरह के डाउट से फिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वन शुड ट्रस्ट वन एबिलिटी, एक व्यक्ति को अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करना आना चाहिए, बिकॉज द फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ, क्योंकि जो फियर की मतलब जो डर है, मतलब डर की जो सफरिंग है, फियर की जो सफरिंग है, वो कहीं ज्यादा बुरी होती है हमारी खुद की सफरिंग की वजह से। मतलब हम अपने इतना ज्यादा सफर अपने डर की वजह से होते हैं, जितना ज्यादा हम सफर वो करते हैं उतना ज्यादा हमें वो फियर सफर नहीं करेगा। ठीक है, तो अब चैप्टर को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं चैप्टर को। The story is first flight by Lamb of Flattery is about a young seagull who is afraid to fly. सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे राइटर्स के बारे में, जो राइटर्स कौन है, जैसा कि हमने बात करा कि जो राइटर है Lamb of Flattery है, जिनका जन्म 1896 में हुआ था और जिनकी डेथ 1984 में हो गई थी। He was born to a large poor family. एक poor family में उनको जन्म मिला था, on the Innismore, one of the island's rocky Aran Island. ये जो कि सबसे ज्यादा एक Aran Island है, जहाँ एक बहुत ही poor family में इनका जन्म हुआ था। He took inspiration from the peasant life. उन्होंने मतलब अपना जो inspiration लिया है वो peasants की life ले लिया है, and the Aran Island in his writing. और उन्होंने इस Aran Island को अपनी writings में कई जगह इस्तेमाल किया हुआ है, कई सारी stories में, अपनी poems में कई जगह उन्होंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। All his younger siblings, despite his much shorter wings, उसके जो younger siblings होते हैं, किसके young seagulls के जो All his younger siblings, despite his much shorter wings, to fearlessly, while he could not gather the courage to trust his own way. उसके जो भी छोटे भाई बहन हैं, वो मतलब अपनी shorter wings की बावजूद भी, मतलब उनके जो wings हैं काफी shorter हैं, वो fearlessly बिना किसी डर के उड़ रहे हैं, while he could not gather the courage, लेकिन वो मतलब courage को gather नहीं कर पाता उड़ने के लिए, मतलब उसको भरोसा नहीं होता कि उसके जो पंख हैं उससे इतना ज्यादा सपोर्ट करेंगे कि वो इतनी ऊंचाई पे जाके उड़ सकेगा। उसे डर लगता है कि अगर वो नीचे गिर गया तो क्या होगा, उसका हार्ट फेल हो सकता है, वो नीचे गिर के मर सकता है, उसके हाथ पर क्रैक हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे डर उसके दिमाग में आते हैं। बट द यंग सीगल्स
विक्रम सेड व्हेन ही शो हिज पेरेंट्स परफेक्टिंग हिज यंगर सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। जब वो देखता है ये बैठे बैठे मतलब अपनी चट्टान पे बैठा हुआ देखता है उसके जो पेरेंट्स हैं उसके उसके छोटे भाई है उनको बता रहे हैं कि उड़ा कैसे जाता है, डाइव कैसे लगाई जाती है, कैसे एक मछली को पकड़ा जाता है, कैसे उसको टियर किया जाता है, कैसे वेदर किया जाता है, तो ये सब देख के ना वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है कि यार मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे जो पेरेंट्स है उसके अपने छोटे भाई बहन को सब कुछ सिखा रहे हैं। His parents called and taunt him. उसके parents हैं उसको taunt करते हैं, उसको scold करते हैं, उसको डांटते हैं। Him for not even trying कि मतलब वो जो है try तक नहीं कर रहा है। Then they call him the cordis. उसको cordis बोलते हैं कि मतलब वो एक कायर है। और दे टेल हिम अ लॉट ऑफ एट लीस्ट ट्राई टू ऑल्सो थ्रेटन हिम टू लीव अलोंग इन हंडली इफ ही डज नॉट। वो उसको यहाँ तक धमकी तक देते हैं, उसको थ्रेटन करते हैं कि अगर वो ट्राई नहीं करता है तो वो मतलब जो है उसे अकेला छोड़ देंगे, वो हमेशा हंग्री ही रहेगा। लेकिन फिर भी वो ऐसा करने की कोशिश नहीं कर पाता, इतनी सब बावजूद मतलब थ्रेटन के बावजूद भी वो ट्राई नहीं करता, मतलब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती कि वो एक बार ट्राई भी कर सके कि उड़ने की। The following day, उस दिन he is left in isolation. वो मतलब उसको isolation अकेले में मतलब छोड़ दिया जाता है and upon feeling hungry, उसे बहुत तेज भूख लग रही होती है। लगभग 24 घंटे हो चुके हैं अब तक की मतलब उसे एक white भी नहीं मिला हुआ है। वो बहुत कुछ देखता है तो मतलब उसे अपने आसपास एक मछली की छोटी सी पूछ दिखाई पड़ती है लेकिन वो इनफ नहीं होती उसकी भूख मिटाने के लिए। लगभग 24 घंटे से वो भूखा होता है। He tried to seek the attention. वह अटेंशन पाने की कोशिश करता है ऑफ हिज फैमिली मेंबर की कैसे भी मतलब उसे अपनी फैमिली मेंबर्स का क्या हो जाए अटेंशन मिल जाए और वो उसकी तरफ देखें, उसे लगे कि हाँ उनका बच्चा कितना भूखा है परेशान है तो उसको उसके खाने के लिए कुछ लेके आ जाए। अब तक क्या होता था जब वो छोटा था तो उसके जो पेरेंट्स थे उसके लिए खाना लेके आते थे और वो आराम से खाता था और जाता था। ऐसे ही हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं, मतलब जब भी हमें लगता है मतलब जब हमें लगता है कि यार कुछ नहीं हो पा रहा हम क्या करेंगे तो हम सिंपैथी लोगों की सिंपैथी इकट्ठा करने में लग जाते हैं यार, कोशिश करने के अलावा कि मतलब लोग हमें सिंपैथी दिखाएंगे तो हमारी मदद कर देंगे। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा इंडिया में ज्यादातर लोग भीख मांगते नजर आते हैं काम करने की वजह, मतलब उनका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है मतलब उन्हें लोगों की सिंपैथी चाहिए। सिंपैथी मिलेगी तो मतलब खाना भी मिल जाएगा और सिंपैथी मिलेगी तो पैसे भी मिल जाएंगे और सिंपैथी अगर वो सिंपैथी दूसरों की ले पाते हैं तो उनकी जिंदगी आराम से कट भी जाएगी। मतलब दूसरों के ऊपर बोझ बन के सिंपैथी को रखे, मतलब यही सेम जो काम है वो हमारा ये यंग सीगल कर रहा है कि मतलब कैसे भी मतलब उसके पेरेंट्स को थोड़ा सा सिंपैथाइज हो जाए, उसके ऊपर सहानुभूति दिखाएं और जिसकी वजह से क्या हो उसकी लाइफ मतलब उसको खाना दे दें जिससे वो आराम से अपना वक्त काट सके। Only his mother, केवल उसकी जो मदर हैं, वो ये चीज नोटिस करती हैं, वो जो withering कर रही होती हैं, फिश को एक फाड़ रही होती हैं, इन अटेम्प्ट टू ईट इट, उसको खाना है। आपने देखा होगा पक्षी जब भी किसी चीज को खाते हैं तो अपने पंजों से दबा के अपने चोंच से उसको फाड़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ withering। नोटिस इज सन, वो अपने सन को नोटिस करती हैं कि अपने बच्चे को नोटिस करती हैं कि बेचारा बाहर बैठा हुआ है भूखा है, बहुत पूरे 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं अभी तक उसने कुछ खाया नहीं है, परेशान है वो। यंग सीगल क्राइसिस आउट ऑफ स्टार्वेशन, बस भूख से चिल्ला रहा होता है, मतलब होपिंग हिज मदर वुड हेल्प, मतलब ये करते हुए कि हाँ उसकी मदर जो है उसकी हेल्प करेंगी, बट लेकिन कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअल मदर मदर होती है, कितना भी कहो कि एक माँ का दिल पक्का दिल होता है, वो अपने बच्चे के लिए हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ करने पर लगी रहती है, चाहे वो हम ह्यूमंस की हो, चाहे वो पक्षी की हो, चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी हो मदर मदर ही होती है आखिर। एक्चुअल में क्या होता है, On seeing his mother came to his fist with the he gets excited. उसे लगता है मतलब उसकी जो मदर है एक अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा उठाए और उसकी तरफ बढ़ने लगती है, तो ये सब देख के ना वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि एक मछली का टुकड़ा, उसे लगता है कि हाँ उसकी भूख जो है मिट जाएगी, उसे खाना मिलने वाला है। मतलब इवन यहाँ तक कि वो ये भी नोटिस करता है कि मतलब उसकी जो मदर है वो बीच में ही कहीं रुक गई है, मतलब उनकी चोंच में एक मछली का टुकड़ा तो लगा हुआ है लेकिन वो मिड वे में ही कहीं रुक जाती है। ये चीज तो देख के बहुत ज्यादा पागल कर देती है, मतलब ही टेक्स अ डाइव एट द फिश, वो उस फिश पे डाइव लगाने की कोशिश करता है, मतलब उस पर छपट्टा मारना चाहता है, मतलब ये भूल जाता है कि उसकी मदर है काफी दूर है और ये भी भूल जाता है कि वो मतलब उड़ने से डर रहा होता है, कि उसे डर लगता है कि वो उड़ जाएगा, कि मतलब गिर जाएगा, उसकी डेथ हो सकती है, उसके हाल उसके जो है पैरों में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं या कुछ भी जो है इंसिडेंट उसके साथ हो सकता है, ये सारी चीजें उसको भूल जाती है क्योंकि भूख जो है उसको पागल करे हुई होती है। और जब वो डाइव लगाता है तो वो देखता है कि वो अब वो मतलब अपनी मदर तक नहीं पहुंचा है और अब वो वहां से वो नीचे गिर रहा है। अब उसे लगता है कि यार क्या करा जाए, कुछ
पलों के लिए उसकी जो सांस है वो तक बंद हो जाती है। तभी उसकी मदर उसके पास में आती है, उसको इनकरेज करती है, प्यार से बोलती है अपने अपने विंग्स को फ्लैप करने के लिए। जब वो अपने पंखों को फड़काने की कोशिश करता है, उसे देखता है वो उसके जो पंख हैं अब पूरी तरह से खुल चुके हैं, हवा उनके आर पार हो रही है। अब उसे लगता है कि वो नीचे नहीं गिर रहा होता है, वो मतलब हवा में ही रुका हुआ होता है। तो ये चीज उसको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, बहुत इंक्रेज करती है। अपने वर्ड अपने विंग्स को फ्लैप करता है और उसके बाद में उड़ने की कोशिश करता है। अब वो मतलब खुशी से झूम रहा होता है, अपने अपने सिबलिंग्स के साथ इधर उधर डाइव लगा रहा होता है। मतलब अब उसके अंदर जो डर था, मतलब ये वो पूरी तरह से बोल गया कि मतलब वो उड़ नहीं सकता था, उसकी ये प्रॉब्लम है, उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसने ये तब कब सीखा, जब वो प्रॉब्लम सामने आई, जब वो नीचे गिरने लगा, तब उसने अपने विंग्स का यूज किया। फाइनली क्या होता है, ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली फ्लाइट लेने में वो मैं जो है कामयाब हो जाता है, सक्सेस मिल जाती है उसको। ऑल द फैमिली मेंबर्स, के जो जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं, सेलिब्रेट हिज विक्ट्री, उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं बाई चीयरिंग द डांसिंग अराउंडिंग, मतलब उसके चारों तरफ आ जाते हैं और डांस करने लगते हैं, उसको इनकरेज करने लगते हैं, मतलब उसके साथ में अपनी खुशी को बांटते हैं। कि मतलब जब भी कहते हैं ना कभी हम कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ हासिल कर लेते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करते हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स हमें इनकरेज कर रहे होते हैं, बधाइयां दे रहे होते हैं, इसी तरह उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उसके चारों आसपास घूम आ जाते हैं और वो चीयरिंग कर रहे होते हैं, डांस करते हैं उसके चारों तरफ आके। ही ऑल्सो अटेम्प्ट द फ्लोटिंग इन द सी दैट ही वाज अफ्रेड ऑफ, मतलब अब वो सी जिससे वो डर रहा था, अब एक चीज फिर डर उसके दिमाग में आने लगता है। जब वो पानी पे बैठने की कोशिश करता है, जब उसके मदर फादर कहते हैं कि आप पानी पे बैठ जाओ, जैसे अब लोग बैठे हुए हैं, जैसे ही वो पानी में लगता है उसके लगता है उसके जो पैर हैं वो डूबने लगे हैं। अब वो फिर से अपने पैरों को फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन अब वो 24 घंटे से उसने कुछ खाया नहीं है और मतलब उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई है। तो मतलब बहुत कुछ जोर लगाने के बाद में भी वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसकी जो जैसे जैसे उसके पैर पानी में डूबते जा रहे हैं, उसकी दिल की जो धड़कन है बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। बट जैसे ही उसका पेट इस पानी से टकराता है, उसे लगता है कि अब मैं नहीं डूब रहा हूं, तो उसका ये डर भी वहां से निकल जाता है। अब अपने उस डर को ओवरकम कर लेता है वो, एंड रियलाइज दैट इट इज ऑल इज माइंड, उसे लगता है कि ये सब चीजें केवल उसके माइंड में थी, कि मैं उड़ नहीं पाऊंगा, कि मैं पानी में डूब जाऊंगा, ये सारी चीजें उसे रियलाइज होने लगती हैं कि सिर्फ केवल और केवल उसके दिमाग का डर था और कुछ नहीं था। अब वो पूरी तरह अब वो उड़ सकता था और पानी में तैर भी सकता था। मतलब उसकी फैमिली अब उसको सब लोग जो है स्क्रैप फिश जो है फाड़ के उसको देते हैं, मतलब वो सेलिब्रेट करते हैं, फिश को खाते हैं, और वो आज वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीख चुका होता है। और यही हमारी लाइफ में भी होता है, मतलब जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हमारा दिमाग जो है डर पैदा करता है, हम अंदर से इतना ज्यादा डर जाते हैं कि यार हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इवन जैसे छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि बाहर मत निकलना, आपको बाबा जी पकड़ के ले जाएगा, तो जब भी वो मतलब उनके दिमाग में डर बैठ जाता है, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो जब भी कोई अननोन व्यक्ति को देखते हैं उन्हें डर लगने लगता है कि यार कोई इनको किडनैप कर लेगा। मतलब कहने का मतलब है प्रिकॉशन बहुत अच्छी जगह चीज होती है, हम प्रिकॉशन लेते हैं, बट अब किसी डर को अपने ऊपर हावी होने हो जाने दें तो कभी हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सब छोटा एग्जाम्पल ले सकते हो, सपोज करो आपको स्टेज पे जाके बोलने से डर लगता है, और अगर आप कभी यही ट्राई ना करो कि हाँ यार मैं वहां जाऊंगा तो मेरे जो लोग बच्चे होंगे या जो लोग वहां बैठे होंगे वो मेरी मजाक बनाएंगे, और ये सोच के आप कभी डाइस पे कभी स्टेज पे आने की कोशिश ना करो, तो क्या लाइफ में अभी आप कभी आप पब्लिक स्पीकिंग कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो आप अपनी क्लास में आके फ्रंट छोटे छोटे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लास में फ्रंट आके बोल सकते हो, अपनी असेंबली में बोल सकते हो, उसके बाद में जहाँ चार लोग इकट्ठे हुए हैं उनके बारे में उनको थोड़ा सा एड्रेस कर सकते हो, ऐसी सारी चीजें करके मतलब वो अपने डर को डर पे काबू कर सकते हो। मतलब मैटर ये करता है कि जब तक आप पहला कदम नहीं लोगे तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला, वो जो डर है वो आप पर हावी होता रहेगा और कभी कुछ नहीं होगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और चैप्टर में जो मोरल वैल्यूज में बताई गई हैं वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। बट स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की मैं कोशिश करूंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।